الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أشرف الأنبياء وأفضل الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگو، عزیزو، دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی ملاقات کو قبول فرمایا اور مدرسہ عربیہ قاسمیہ کوٹ اعظم میں ایک مرتبہ پھر دوبارہ اللہ کے قرآن کی تشہیر کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت کو عام کرنے کے لیے ہم سب کو اکٹھے فرمایا. بھائی کلیم اللہ صاحب فرما رہے ہیں، ہم بے حد مشکور ہیں مولوی صاحب کے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں
मैं तो जब से आया हूँ कभी खाने के, कभी आइसक्रीम के, कभी फ्रूट के, कभी चाय बिस्किट के मज़े ले रहा हूँ। शुक्रिया तो मैं आप हजरात का अदा करता हूँ कि किस वक्त से आप किस हाल के अंदर बैठे हुए हो। और तकरीबन 4 घंटे का अरसा गुजर चुका है ईशा की नमाज के बाद से लेकर अब तक का, तो हर उस आदमी को भी भूख लग जाएगी जो दिन में एक मरतबा खाना खाता है। और आप जितनी मुशक्क़त बर्दाश्त करके, कोई पेशाब रोक के, कोई अपनी भूख और प्यास रोक के बैठे, अल्लाह की कसम अल्लाह आपको इस पर वो अता फरमा रहे जो हमारे वहमो गुमान के अंदर भी नहीं है। और ये दुनिया की जरूरियात हमें उठाना चाह रही है। नींद कह रही उठ चल तुझे सुबह काम पे जाना है, पेशाब कह रहे कर भी ले मसाना खराब हो जाएगा, पेशाब नहीं रोकते तिब्बा कहते हैं, अल्लाह कहते थोड़ी देर और बैठ जा मेरे। ये देखो अल्लाह ने हवा थोड़ी सी लाई ना, ये कबूलियत की निशानी होती है। अल्लाह इसे हमारे लिए रहमत वाली बना दे, हमारे बच्चों के लिए बना दे, हमारी जिंदगियों के लिए, हमारे खात्मा ईमान के लिए अल्लाह से रहमत वाली बना दे। और अल्लाह ये हवाएं, यकीन करो ये हवाएं एक चल रही है ना कुदरती हवा, कहाँ से इसका महवर कहाँ, कोई कोयटा बतलावेगा कहाँ से उठी, कोई कहेगा सुबह सरहद से, कोई कहेगा फलानी जगह से। अल्लाह करे ये हवा मदीने शरीफ से आ रही हो और गुम्बद खजरा से टकरा टकरा के आ रही हो मेरा। हाँ अब नस्बत बड़ी ऊँची मैंने बतला दी, अब अगर 2-4 जर्रात मट्टी के गिरे तो मुंह से कपड़े से साफ ना करना बल्कि चेहरे पर यूं करके जज़्म पे फेर लेना। हवा अल्लाह की, हमारे लिए मदीना दूर है, अल्लाह के लिए तो दूर कोई नहीं। तो अल्लाह ताला वहां की हमें नस्बत दे दे भाई। हजरत अकदस मौलाना अब्दुल हई शाह साहब, अल्लाह ने जजाय खैर अता फरमाए, मैंने कहा आपकी मेहरबानी आपने याद कर लिया। हजरत ने माशाल्लाह बड़ों की बात बड़ी होती है, फरमाए आप मेहरबानी करते रहे तो हमेशा याद करते रहेंगे। और हमारे हकीम साहब माशाल्लाह जो मदरसे के नाज़िम बिलाल साहब, अल्लाह ने जज़ाए खैर, मौली कलीमुल्लाह साहब और भाई कलीमुल्लाह को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। एक बात मुझे समझ नहीं आती कि आस पास में जो इज्तमा होता है मेज़बानों से ज़्यादा मेरे लिए हासिपुर वाले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़िक्रमंद होते हैं, अल्लाह ने बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। भाई मोहम्मद आरिफ साहब हमारे कैमरा मैन हो गए, इस तरह मौली रमज़ान साहब, भाई इमरान ताहिर साहब, अल्लाह ने बहुत बहुत अपने ख़ज़ाना खास से नवाजे। और आप हजरात ने बेहद इस काबिल नहीं थे जिस अंदाज में आपने अल्हम्दुलिल्लाह इकराम किया। अल्लाह बहुत अपने पकाने वालियाँ जिन्होंने खिदमत में हिस्सा लिया अल्लाह कबूल फरमाए। हमारे पास बाबू यही है, हम लोगों के एहसान और लोगों के प्यार को पैसे से नहीं तोलते, दुआओं से तोलते हैं मेरे अजीज। और आप भी मेरे अजीज़ व खलूस है दिल से। लोग पैसे किसको क्यों देते हैं यार, जब मेरा बच्चा इसके पास आया था इसने 500 दिए, मैं इसको 1000 दे दूँ बदला उतर गया। यार इसने मेरे घर गोश्त भेजा था बच्चे कीके का, मैं इसके घर भेज दूँ तो अदला बदला होता है। तो आप जो है वो दुआओं के जरिए एक दूसरे से अदला बदला किया करो। गोश दुनिया के अंदर, कपड़ा दुनिया के अंदर इस्तेमाल होगा, दुआ अगर किसी इंसान को लग गई तो जन्नत की चौकट पार करवा के आएगी। मैंने दूसरी बात मेरे मोहतरम मुकर्रम दोस्तों बुजुर्गों कि अल्लाह तबारिक व ताला ने इंसान को दुनिया की जिंदगी दी, अल्लाह की कसम इसे कामयाब होने के लिए दी, नाकाम होने के लिए नहीं दी। और जो इसको रास्ता बताया वो भी कामयाबी का बतलाया, और इस रास्ते की रहनुमाई के लिए अल्लाह ने जिस हस्ती को भेजा वो सारी कायनात से आला हस्ती जनाब मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इतनी पाक हस्ती के आपके नालैन जूते मुबारक को किसी जानवर का फुजला लगा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके रोक दिया कि अल्लाह के नबी आप अपने जूते पर जो लगी गंदगी है फुजला इसको साफ कहीं, किसी जानवर की बीट है अल्लाह इतना भी बर्दाश्त नहीं करता कि आपकी जूते के साथ कोई गंदगी लग जाए। जब अल्लाह नबी के जूते को गंद बर्दाश्त नहीं करता तो नबी के सीने के साथ गंद बर्दाश्त करेगा मेरे आज़ीज़। हमें